चंदेरी के सिविल अस्पताल में कुल 12 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, जिनमें चिकित्सा विशेषज्ञ, शल्य क्रिया विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, निश्चित चेतना विशेषज्ञ, साथ ही चिकित्सा अधिकारी और दंत शल्य चिकित्सक के पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत है। लेकिन फिलहाल केवल 2 डॉक्टर ही चंदेरी के सिविल अस्पताल में कार्यरत हैं। उनमें से 1 बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमएल खरका का चंदेरी से माल्थौन जिला सागर में ट्रांसफर कर दिया गया है, जो चंदेरी के लोगों के लिए बहुत ही घातक होगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चंदेरी जो हमेशा से डॉक्टरों की कमी से जूझता रहा है, ऐसे में केवल 2 ही चिकित्सक ऐसे थे जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे इस कोरोना काल की भीषण बीमारी के दौरान भी और आगे भी जो तीसरी लहर आने की संभावना है। ऐसे में मेरी सिर्फ इतनी ही मांग है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफर एक शासकीय प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ, परंतु मेरा सिर्फ इतनी डिमांड है कि यहाँ पर डॉक्टरों की पूर्ति कर दी जाए, यहाँ उचित चिकित्सक पहुँचा दिए जाए, उसके बाद चाहे तो किसी भी डॉक्टर का ट्रांसफर हो, उससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है।